नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उक्रांति, पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनंता पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दिव्य नजारा, आरएसएस सेवक कार्यक्रम प्रवासी मजदूरों को। कल से पूरे देश में विमानों की उड़ान शुरू, केंद्र पर्यावरण मंत्री ने फिर एक बार साफ कर दिया है। महाराष्ट्र में फिर एक बार संतों की हत्या, अहमदाबाद में गैरकानूनी तौर से कत्लखाना। अब समाचार विस्तार से। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक दिव्य नजारा, मंदिर के गोपुर में से सूरज की रोशनी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दिव्य नजारा, मंदिर के गोपुर में से सूरज की रोशनी। ये दिव्य नजारा श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर महाविशाल गोपुर में से सूरज की रोशनी आज इस तरह दर्शन दिया है। आपको बता दें, जैसे शाम के वक्त सूरज ढलते समय ये अद्भुत दर्शन का भाग्य मिला है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में आरएसएस स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने फूड पैकेट बांटा है प्रवासी मजदूरों को। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में आरएसएस स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने खाने का इंतजाम किया है, यानी फूड पैकेट बांटा है प्रवासी मजदूरों को। जो प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव जा रहे हैं, उन्हें फूड पैकेट दिया गया। तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से जो स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है प्रवासियों के लिए, उसमें सफर करने वाले सभी को फूड पैकेट बांटा है आरएसएस के स्वयंसेवक ने। कल पूरे भारत देश में विमानों की सेवा शुरू, शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी उड़ान के लिए तैयार है। कल से शुरू होगी विमानों की उड़ान। पहले चरण में 30% तक की विमानों की उड़ानों की योजना है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह तैयारी की गई है। विमानों में सीटों के बीच सोशल डिस्टेंस की ध्यान भी लिया जा रहा है, एयरपोर्ट के CEO SGK किशोर ने बताया है मीडिया से।
अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी देखते रहेगा हिंदू टुडे। केंद्र पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर एक ट्वीट किया था प्रतिबंध को लेकर, अब मीडिया के सामने ये साफ कर दी। केंद्र पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्रतिबंध हटा देने की ट्वीट किया है, जो अब मीडिया के सामने फिर एक बार साफ कर दी। लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने देश के मूर्ति कलाकारों को दी है बड़ी राहत। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना रहे गणेश मूर्तियों के लिए एक साल के लिए प्रतिबंध हटा दिया है। इसकी बात की सूचना पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से कहा है। महाराष्ट्रामध्ये, तेलंगणामध्ये, मध्य प्रदेशामध्ये, गुजरातमध्ये आणि खरं तर देशाच्या सगळ्या भागामध्ये आता गणपतीच्या गणेशोत्सवाची मोठी रचना होते आणि खूप संख्येने मूर्ती बनल्या जातात। आत्ता मूर्ती मातीच्याही बनतात, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्याही बनतात। प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस हे योग्य नाही पर्यावरणाच्या दृष्टीने आणि म्हणून त्याला बंदी घालावी असा एक आदेश CPCB ने काढला होता, परंतु माझ्याकडे अनेक निवेदन आली कारण यावर्षीच्या अनेक मूर्ती तयार झालेत आणि त्यामुळे कोणालाही नुकसान होऊ नये म्हणून या आदेशाला मी एक वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे आणि स्थगिती देऊन यावर्षी सगळ्या मूर्ती चालतील, पुढच्या वर्षीपासून आपण नव्या नियमानुसार मूर्ती करू याचा मला पूर्ण विश्वास आहे। गणपती बाप्पा मोरया। महाराष्ट्र पालघर में मॉब लिंचिंग के बाद फिर एक बार नोएडा में संतों की हत्या, कब जागेगी महाराष्ट्र की सरकार? पालघर में दो साधुओं की हत्या के मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ। अब नोएडा में साधु की हत्या से इलाके में खौफ का माहौल है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ के उमरई तालुक नागाठाना में बदमाशों ने शनिवार के रात को बाल ब्रह्मचारी शिवचर समेत दो लोगों की हत्या कर दी। इससे साफ लगता है कि महाराष्ट्र में साधुओं का सुरक्षित रहना नामुमकिन है। ये घटना पर कई सवाल खड़े होते हैं। आपको फिर से याद दिला दें, पालघर मॉब लिंचिंग के बाद दो साधु समेत तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस केस के लिए जुड़े हुए एडवोकेट, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए त्रिवेदी का भी सड़क के हादसे में मौत हो गई। ये घटना के बाद फिर एक बार साधुओं पर हमले के बाद और ये बड़ा सवाल खड़े होता है कि महाराष्ट्र में साधु सुरक्षित नहीं है। शनिवार के रात के संतों की हत्या के बाद भागे बदमाशों को तेलंगाना राज्य के तन्नूर पुलिस ने धर दबोचा है। एक को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में गैर कानूनी तौर से चला जा रही थी कतलखाना, रूपमती मस्जिद के पास गैर कानूनी के तरीके से चला जा रही थी। अच्छा, चार पांच तो काफी ना क्या आलू को टेम्पो बेम्पो साहब बधु जमा लेवाना, जीव दया आ बधु सर, आ जीव दया चाल आम।
हाँ ये तो बधी तपास थे शू पर्सनल शू से हाँ प्लास्टिक नो धंधो है बधो देखाय तमने આ જુઓ શાહપુર માં ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल कुछ खास और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहे हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।